राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। तेज प्रताप यादव पर युवा आरजेडी महानगर अध्यक्ष रामराज यादव ने मारपीट का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि तेज प्रताप यादव ने उनके साथ मारपीट किया है। इधर तेज प्रताप यादव ने सफाई देते हुए कहा कि वो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं और इस तरह का आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि इससे वे बहुत आहत हैं और जल्द ही पिता से मिलकर पार्टी से इस्तीफा देंगे। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा। तेज प्रताप यादव के इस ट्वीट से बिहार की सियासत गर्मा गई है। हाल ही में राबड़ी आवास पर तेज प्रताप यादव को सीएम नीतीश कुमार से काफी देर तक बात करते हुए देखा गया। इसके बाद तेज प्रताप ने सरकार बनाने का दावा किया और आज पिता से मिलकर इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। अब सवाल हो रहा है कि नीतीश तेज प्रताप की मुलाकात के बाद क्या बिहार में बड़ा सियासी खेल हो गया है? फिर तेज प्रताप अपने तरीके से अपनी जमीन तैयार करने में लगे हैं, पार्टी में वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी के दौरान सीएम नीतीश से उनकी गुफ्तगू भी हुई, जिसके बाद तेज प्रताप ने सीएम से सीक्रेट बातचीत होने और सरकार बनाने का दावा किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई तेज प्रताप के पास कोई और प्लान है या फिर ये उनका बड़बोलापन है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवाणी।